अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपनी सिम को इंटरनेशनल कर सकते हैं। आप अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आपके पास किसी भी नेटवर्क की सिम है तो उसको आप इंटरनेशनल करके कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास जैज की सिम है, इसी वक्त मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, तो इसी को ही मैं इंटरनेशनल करके आपको बताऊँगा। और सेम इसी तरीके से आप किसी भी नेटवर्क की सिम को इंटरनेशनल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। गूगल ओपन करते हैं। सिंपली आपने गूगल को ओपन कर लेना है। जैसे ही आपने ओपन किया, सर्च बार में आपने सर्च करना है जैज ईमेल। यहाँ पे आप जैज लिखेंगे ना तो नीचे खुद ब खुद दिया जाएगा जैज ईमेल। तो जैज ईमेल पे आपने जब जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखें जैज ईमेल, वो नीचे आ गया सेकंड वाला जैज ईमेल। तो सबसे पहला जो जैज हेल्प कॉन्टैक्ट अस वाला, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा जैसा अभी आपके मोबाइल में शो हो रहा है स्क्रीन पे। ये देखें जो है ना, कुछ इंटरनेट का स्लो है ना, ये देखें शो हो गया। ये नीचे आपको रेड वाला नज़र आ रहा है ना, customercarejazz.com, ये उनका ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये ऊपर रेड वाला, इसको आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सब्जेक्ट वाला है ना, सब्जेक्ट वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपने लिखना है। जैसे जैसे मैं स्पेलिंग लिखूँगा बिल्कुल ऐसे ही आपने लिखना है। ये सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं जो है ना लिख के दे दूँगा, वहाँ से आप कॉपी करके सेम उसी तरह का इधर पेस्ट कर देना। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में आपने लिखना है इंटरनेशनल। स्पेलिंग का आपने खासकर जो है ना ध्यान देना, स्पेलिंग बिल्कुल आपके परफेक्ट होना चाहिए। इंटरनेशनल रोमिंग, ROAMING, रोमिंग एक्टिवेटेड, इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेटेड। इसके बाद आपने थोड़ा नीचे आ जाना है, नीचे आपने लिखना है अपना, यानी कि हमने तो इंटरनेशनल करवानी है ना अपनी सिम, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है माय नेम इज़ उस्मान अली। जो भी आपका नाम है वही आपने लिखना है। सही है, मेरा नाम उस्मान अली तो मैं उस्मान अली ही लिखूंगा, जिसके नाम पे सिम है उसी का नाम लिखना है आपने। सही है, तो माय नेम इज़ उस्मान अली, नीचे आपने लिखना है आई एम इन सऊदी अरेबिया। देखें ये सब कुछ लिखा मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप कॉपी कर लेना आई एम इन सऊदी अरेबिया। जहाँ से भी आप बैठ के करना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से। सही है, मैं इसी वक्त सऊदी अरेबिया में हूँ तो मैं सऊदी अरेबिया से करूँगा। ओके, तो आई एम इन सऊदी अरेबिया, आई वांट टू एक्टिव इंटरनेशनल रोमिंग। माय नेम इज़ उस्मान अली, आई एम इन सऊदी अरेबिया एंड आई वांट टू एक्टिव इंटरनेशनल रोमिंग। ओके, तो ये लिखने के बाद आपने नीचे आ जाना है, नीचे यहाँ पे आपने लिखना है अपना जो है ना नेम जो है ना वो लिखना है, फिर से नेम उस्मान अली, जिसके नाम जो भी सिम आप एक्टिवेट करना चाहते हो, इंटरनेशनल करना चाहते हो, उसी बंदे का नाम लिखना है जिसके नाम पर वो है उस्मान अली। ये मेरा है तो मैं अपना नाम ही लिखूंगा उस्मान अली। लिखने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है CNIC नंबर, जो आईडी कार्ड नंबर होगा जिसके नाम पे वो सिम होगी उसका आईडी कार्ड नंबर लिखना है इधर CNIC लिख के, आगे उसका जो भी आईडी कार्ड नंबर है वो लिखना है। मैं अभी थोड़ा आपको बस करके दिखाऊँगा, मेरी तो पहले से इंटरनेशनल है इसीलिए आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने अपना CNIC लिख लेना है। CNIC लिखने के बाद जो भी आपका होगा आपने वही लिखना है। ओके, परफेक्ट लिखना है। तो CNIC लिखने के बाद आपने फ़ोन नंबर लिखना है, जो सिम का नंबर है ना वो नंबर लिखना है, यानी यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर जो भी है 92, पासवर्ड लिख के अपना 92 पाकिस्तान का कोड जो होता है वो लिख के आगे आपने अपना नंबर लिख देना है, 3 से शुरू करके जो भी है 3003000 जो भी अपना फलां जो भी आपका नंबर होगा वो आपने लिखना है बिल्कुल परफेक्ट, जो आपने इंटरनेशनल करवाना है। सही है, वो लिखने के बाद वो आपको ऊपर वो तीर का निशान नज़र आ रहा है ना वो कोने में सेंटर में ये वाला, इसको आपने क्लिक करना है। ओके,
तो सीधा जैज़ की जैज़ को जो है ना नोटिफिकेशन चला जाएगा, वो आपका ईमेल देखेगा, तो उसके बाद आपको एक एसएमएस रिसीव होगा। एसएमएस कैसा रिसीव होगा, ये जो अभी आपके सामने शो हो रहा है ना, ऐसा शो होगा। वो आपको बता रहे हैं कि 72 घंटे में जो आपका शो हो जाएगा, ये देखें। बाद में जब आपकी इंटरनेशनल सिम हो जाएगी ना, ऐसा एक एसएमएस रिसीव होगा, जो नंबर आपने इंटरनेशनल करवाना है वही आपके ऊपर शो भी हो रहा होगा। ओके, तो ऐसे आपकी इंटरनेशनल सिम जो है ना हो जाएगी। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड वीडियो देखने के लिए जो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा।